बिहार में पहली बार जीरो आउट होगी आरजेडी, तो क्या लालू का विज्ञान हो गया फेल? इस बार के लोकसभा चुनाव में बिहार सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने वाली पार्टी राजद को जहां सबसे बड़ी जीत की उम्मीद, वहीं परिणाम आने के बाद झटके से कम नहीं था कि पार्टी एक सीट जीत नहीं सकी, जो कि अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन कहा जा सकता है। कई दिग्गजों ने इस बार अपनी किस्मत आजमाई, जमकर चुनाव प्रचार भी किया, लेकिन जनता ने एक भी उम्मीदवार को भरोसा नहीं किया और पार्टी शून्य पर सिमट गई। लालू का विज्ञान हो गया फेल। राजद से प्रथम लालू यादव की पार्टी की अब तक की सबसे बुरी हार बताई जा रही है। लालू ने काफी मेहनत और मकसद के बाद राजद को बिहार में स्थापित किया और राजनीति के दिग्गज खिलाड़ी रहे लालू। उनके बेटे तेजस्वी ने कहा था कि लालू एक विचार है, एक विज्ञान है, तो क्या लालू की जेल में रहने से विज्ञान फेल हो गया? तेजस्वी ने निराश किया सबको। लालू यादव चारा घोटाले मामले में सजा याफ्ता है, लेकिन उन्हें पार्टी और परिवार की चिंता लगी रहती है। लालू ने इस बार लोकसभा चुनाव की बूटियां रांची के एम्स अस्पताल में फिक्स की, लेकिन इस बार उन्होंने पार्टी की कमान अपने छोटे बेटे तेजस्वी के हाथों सौंपी थी। तेजस्वी ने लालू को निराश किया। लालू ने बनाया महागठबंधन फिक्स की चुनावी बूटियां। महागठबंधन के लिए लालू ने अविश्वसनीय राजनीतिक सहयोगी माने जाने वाले लालू सपा के उपेंद्र कुशवाहा, हम के जीतन मांझी और विकासशील इंसान पार्टी के मुकेश सहनी के साथ मिलकर महागठबंधन बनाया और इसमें कांग्रेस को भी शामिल किया। महागठबंधन का निर्माण तो हो गया। लालू ने जेल से चुनावी बूटे फिक्स करने शुरू कर दी थी। लालू अच्छी तरह जानते थे उपेंद्र कुशवाहा जीतन मांझी और मुकेश सहनी के शामिल होने से कुशवाहा दलित और सहनी और निषाद समाज का समर्थन हासिल हो जाएगा। उन्होंने सोचा कि अगर ऐसा करने में सफल हो गया तो इससे महागठबंधन का फायदा ही होगा। आपसी कला और महत्वाकांक्षा की भीड़ चरम गठबंधन, लेकिन लालू की सोच के विपरीत उपेंद्र कुशवाहा मांझी और सहनी समेत वाम दलों ने अपनी बढ़ती मांग देकर अपनी राजनीतिक विश्वास से ज्यादा हिस्सेदारी मांगना शुरू कर दी। इन तीनों दलों ने आधा दर्जन से ज्यादा सीटें मांगनी शुरू कर दी, जिसके साथ ही कांग्रेस बिहार शाखा ने भी अपनी मांगें बढ़ा दी। महत्वाकांक्षा की राजनीति रसाकसी चलते महागठबंधन में सीटों को लेकर होने वाला बंटवारा लगातार चलता रहा। इसी बीच एनडीए के कई उम्मीदवारों ने अपना चुनाव प्रचार करना शुरू कर दिया। 22 मार्च तक महागठबंधन की सीट बंटवारे को लेकर किसकी छोटी रही और फिर सीट बंटवारे के साथ राजद को 19 सीटें मिली। राजद के बेगूसराय राजद ने बेगूसराय में कन्हैया कुमार नकारा। इसके बाद बेगूसराय सीट को लेकर राजद और सीपीआई के बीच एक नया विवाद पैदा हो गया। सीपीआई इस सीट से कन्हैया कुमार को उतारना चाहती थी, राजद इसके लिए तैयार नहीं हुआ। अंत में कन्हैया कुमार ने सीपीआई के टिकट से ही चुनाव लड़ा। अगर कन्हैया पर राजद भरोसा करता तो जीत उसके पाले में आ सकती थी। पप्पू यादव ने फूका बुगुल, खुद हारे सुपौल से हारी रंजीत रंजन। इसके बाद लोजपा अध्यक्ष पप्पू यादव ने भी बुगुल फूक दिया। राजद के टिकट से चुनाव लड़ रहे शरद यादव को नुकसान पहुंचाने के लिए मधुपुरा से चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। इसका खामियाजा उन्हें भी भुगतना पड़ा कि राजद ने उनकी पत्नी और सुपोला के मौजूदा कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया और चुनाव हार गए। महागठबंधन को इन दोनों सीटों पर जीत मिल सकती थी, आपसी कलह से दोनों सीटें भी गंवानी पड़ी। मधुबनी और दरभंगा में भी अपनों ने ही दिलवाई हार। उधर मधुबनी में कांग्रेस और राष्ट्रीय प्रवक्ता शकील अहमद ने पार्टी छोड़ दी और निर्दलीय अपनी उम्मीदवारी की घोषणा करके 1.5 लाख वोट हासिल करके सीट पर महागठबंधन के उम्मीदवार की हार तय कर दी। तो वहीं दरभंगा में राजद नेता पूर्व सांसद अहमद शरीफ अली फातमी और उनके समर्थकों ने अपनी ही पार्टी के अब्दुल बारी सिद्दीकी को हराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तेज प्रताप ने भी की खिलाफत महागठबंधन में जब वो रसाकसी चले तब राजद सुप्रीमो लालू यादव की जेल में बंद और ना वो पार्टी के लिए कुछ कर सकते थे ना परिवार में चल रही कला के लिए। लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने भी लालू को कम चुनौती नहीं दी और महागठबंधन के लिए परेशानी का सबक बनते रहे। उन्होंने अपने ससुर और सारा से उम्मीदवारी चंद्र राय को हराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इतना ही नहीं, अपने बयानों मंच में दिए गए बयानों से भी उन्हें कई ऐसी बातें कहीं जो उन्हें नहीं कहनी चाहिए थी। तेज प्रताप यादव ने ऐन वक्त लालू रावली मोर्चा बना लिया और जहानाबाद में अपनी पार्टी से अलग एक उम्मीदवार का समर्थन भी किया। इसके चलते इस सीट को राजद उम्मीदवार सुरेंद्र यादव हार गए, नहीं तो वो सीट राजद के खाते में आ सकती थी। बड़ी बेटी मीसा भी नहीं हो सकी सफल, हार गई। रावली की पहल पर दोनों भाइयों ने बहन मीसा के लिए साथ मिलकर चुनाव प्रचार किया। लालू पल्लर और पार्टी को उम्मीद थी कि मीसा भारतीय पाटलिपुर सीट जीत लेगी, लेकिन 30 मई की शाम जब रिजल्ट आया तो चला कि पाटलिपुर लोकसभा से चुनाव हार गई। खराब प्रदर्शन का जिम्मा तेजस्वी पर, इस तरह से आरजेडी सुन पर सिमट गई। राजद के इस प्रदर्शन पर सोशल मीडिया पर जारी चर्चा में तेजस्वी यादव को इस खराब प्रदर्शन के जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। अगर जिम्मेदार ठहराने की बात की जाए तो इस समय महागठबंधन में हर नेता अपने आप को बचाने की कोशिश में दूसरों का आरोप लगा रहे हैं। लालू परिवार को लेनी पड़ी हार की जिम्मेदारी। बीजेपी ने नरेंद्र मोदी के नाम की सुनामी में कुछ दक्षिणी भारतीय राज्यों के अलावा पूरे भारत में अपना बेहतरीन प्रदर्शन किया है। ऐसे में सवाल उठता है कि किसी एक नेता की इस हार के लिए जिम्मेदार ठहराना जाना कितना सही, लेकिन यह भी सही है कि किसी न किसी को इस हार की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और लालू परिवार इस जिम्मेदारी से बच नहीं सकता। महागठबंधन के चुनाव में राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की कमी खली। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में पूरे चुनाव प्रचार के दौरान कुशल नेतृत्व का घोर अभाव दिखा। 10 सीटों का महागठबंधन के दलों के तालमेल की कमी और भीतर घास साफ दिखाई दे रहा था। 2014 की मोदी लहर में भी आरजेडी की 4 सीटें जीतने में सफल रही, लेकिन इस बार तो राजद सुपा ही साफ हो गया। अब आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी को नए सिरे से सोचना होगा, नहीं तो खत्म हो जाएगी आरजेडी पार्टी।